दोस्तों बात करते हैं आज की आज की हमारा जो टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है कि घर का गुनिया कैसे निकालते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि घर का गुनिया कैसे निकालते हैं, पड़ा पर उसका नाप कैसे लिया जाता है। दोस्तों घर का गुनिया एक मेन होता है दोस्तों, घर का गुनिया अगर सही से ना निकाले तो घर सही नहीं बनता दोस्तों। इसीलिए बात करते हैं हम कि घर का गुनिया कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों गुनिया लेने के लिए आपको दो धागा लगाना पड़ेगा दोस्तों। जैसे मैं ये देख सकते हैं आप, ये मैं लाइन खींच दिया, एक लाइन इधर से खींच दिया, यह मान लो कि ये दो धागा है। अब दोस्तों दो धागा लगा दिए, तो धागा लगाने के बाद दोस्तों हमें ये हमारा कोना हो गया, यहाँ से हमें यहाँ लेना पड़ेगा दोस्तों 3 फीट लेना पड़ेगा दोस्तों। 3 फीट ले लिए, अब यहाँ से यहाँ हमें लेना पड़ेगा 4 फीट। अब दोस्तों 4 फीट ले लिए, यहाँ से यहाँ 3 फीट ले लिए, वहाँ से वहाँ 4 फीट ले लिए। अब जैसे दोस्तों हमारा मान लो कि 3 फीट का निशान हमारा यहाँ पे आया, एक यहाँ पे धागे पे एक निशान लगा दोस्तों, यहाँ पे निशान आया। यहाँ 4 फीट ले लिए, 4 फीट का हमारा निशान यहाँ पे आया। तब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक फिर से हमें नापना है दोस्तों। अब यहाँ तो ले लिए 4 फीट, यहाँ ले लिए 3 फीट, अब यहाँ से यहाँ तक हमें लेना है दोस्तों 5 फीट। यहाँ से यहाँ लेना है हमें 5 फीट, ये लेना है दोस्तों हमें 5 फीट। यहाँ से यहाँ अगर 5 फीट हमारा राइट मिल गया दोस्तों तो हमारा गुनिया सही हो गया, नहीं तो दोस्तों अगर 5 फीट नहीं हुआ तो मान लो एक लाइन हमारा सही ले लेना पड़ेगा पहले दोस्तों। एक लाइन को सही ले लिए, अब 5 फीट नहीं आ रहा है, 5 फीट का कम आ रहा है, तो दोस्तों इसको थोड़ा इधर कर सकते हैं, ज़्यादा आ रहा है इधर कर सकते हैं। इसी तरीक़ा से 5 फीट जहाँ पे सही आ गया दोस्तों हमारा गुनिया सही आ जाएगा दोस्तों। और ये थोड़ी सी छोटी प्लाट के लिए होता है। अब जैसे बड़ा प्लाट होता है दोस्तों, बड़ा घर बना रहे हैं, तो उसके लिए 3 दूनी यहाँ पे आप 6 कर सकते हैं, 3 दूनी 6 कर सकते हैं, यहाँ पे 4 दूनी 8 कर सकते हैं, यहाँ पे 8 कर दिए। अब यहाँ से फिर उसी तरीके से यहाँ पे एक निशान लगा लो, यहाँ पे एक निशान लगा लो दोस्तों, यहाँ पे निशान लग गए। उसी तरीक़ा से फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से हम फीता पकड़ेंगे, यहाँ से आकर हमारा आ गया 6 फीट। ये डबल कर दिए दोस्तों, ये डबल कर दिए, यहाँ पे ये भी डबल करना पड़ेगा। अब हमें ये लेना पड़ेगा 10 फीट ले लिए, तब हमें जो पड़ा भर गुनिया निकलेगा दोस्तों 10 फीट आगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा नाप जो हमने बताया आपको पसंद आया। तो दोस्तों अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिए, अगर जो भी समझ में नहीं आया दोस्तों तो कमेंट कर पूछ सकते हैं कुछ भी। इससे रिलेटिव और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्त धन्यवाद।